नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू इंडिया न्यूज। ईरान एक बार फिर से जल रहा है और ये आग कहीं बाहर से नहीं लगी, बल्कि ये आग इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती महिलाओं की आग है। ये आग उन आंसुओं की है जो लगातार ना जाने कितने वर्षों से बह रही है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि यूनिवर्सल सिस्टरहुड का नारा देने वाली वामपंथी हिंदू फेमिनिस्ट लेखिकाएं इस आग की ताप को अनुभव भी नहीं कर पा रही है। वहां पर लड़कियां अपने मूलभूत अधिकार अर्थात सिर को खुला रखने के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं है। सरकार की ओर से उन्हें ये आदेश है कि उन्हें अनिवार्य हिजाब पहनना ही है। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में ईरान में अभी तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और हो सकता है कि अभी जब मैं आपको इस खबर से वाकिफ करा रही हूं तो मरने वालों की संख्या में इजाफा हो गया हो। ईरान में चल रही ये लड़ाई अनिवार्य हिजाब के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में रह रहकर आज तेज इसलिए होती जा रही है क्योंकि इनमें रोज किसी न किसी लड़की की आहुति पड़ जाती है। ये स्वतंत्रता का यज्ञ है जिसमें लड़कियां स्वयं को बलिदान कर रही हैं, परंतु उनकी पीड़ा से उस देश की कथित फेमिनिस्ट पूरी तरह से अनजान है, जहां पर स्त्रियों को सदा से स्वतंत्रता रही थी। सवाल है कि आखिर फिर से विरोध क्यों आरंभ हो गया है। दरअसल गुस्सा उपजाई है ईरान में एक ऐसी युवती की मृत्यु से जो और कुछ नहीं बस अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, वो बस अपनी जिंदगी जीना चाहती। महसा अमीनी, जी हाँ यही नाम था उसका। उसे केवल इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। ईरान में महिलाओं के पास ये आजादी है ही नहीं कि वह हिजाब से मुक्त होकर बाहर निकल सके। वो इसी अंधे कानून का विरोध कर रही थी, परंतु क्या अपने मन से जिंदगी जीना ही इतनी बड़ी बात है कि उसे मरना पड़े? शायद ईरान में ऐसा है। फिर भी दुर्भाग्य यही है कि भारत में जरा सी बात पर हंगामा मचाने वाली फेमिनिस्ट और कथित रूप से औरतों के दर्द में आंसू बहाने वाली फेमिनिस्ट ब्रिगेड ने इस विषय में अपना मुंह तक नहीं खोला। उन्हें ये नहीं पता कि ईरान में महसा अमीनी ईरान की राजधानी तेहरान घूमने के लिए गई थी तो उन्हें मॉरल पुलिस ने पकड़ लिया और ये आरोप लगाया कि उन्होंने इस्लामी कानून के अंतर्गत कपड़े नहीं पहने हुए हैं। फिर उन्हें उस मॉरल पुलिस ने मारा पीटा और उसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु का समाचार आया वैसे ही विद्रोह की चिंगारी भड़क गई और पूरे ईरान में फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और तानाशाह की मौत हो के नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, वहां पर महिलाओं में इतना गुस्सा है कि लोग महसा अमीनी के समर्थन में अपने बाल तक कटा रही हैं। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि भारत में एक बड़ा वर्ग पूरी तरह से उन घटनाओं के विषय में आंखें मूंदे खड़ा है। ईरानी गुस्से में है मगर उनकी व्यथा पर भारत में कोई बात तक नहीं हो रही है। सवाल है कि आखिर बात क्यों नहीं हो रही? क्या इसलिए क्योंकि पीड़ित लड़कियां इस्लाम की कट्टरपंथी पर प्रश्न उठा रही हैं, या फिर इसलिए क्योंकि यहां की फेमिनिस्ट तो बुर्का और हिजाब के समर्थन में है, वो चुपचाप कर्नाटक की उन कट्टरपंथी लड़कियों और ताकतों के पक्ष में जाकर खड़ी है जो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है कि हिजाब अर्थात स्थायी रूप से सिर को ढकना तो इस्लाम का जरूरी तत्व है। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सुदूर ईरान में जहां पर ढका रहना कानूनन है, वहां पर इकट्ठे होकर लड़कियां और महिलाएं आजादी की मांग कर रही हैं। ये वही आजादी है जो भारत में मिली हुई है, क्योंकि भारत में सेक्युलर लोकतंत्र है, फिर भी यहाँ की फेमिनिस्ट महसा अमीनी के पक्ष में ना जाकर उस मुस्कान के पक्ष में खड़ी हो जाती हैं, जिनके कारण भारत में भी कोई महसा अमीनी कट्टरपंथी का शिकार हो सकती है। ये क्या है, ये क्यों है? भारत की फेमिनिस्ट भारत में ही महसा अमीनी के लिए संभावनाओं का निर्माण कर रही हैं।
क्या वे चाहती हैं कि जिस प्रकार अनिवार्य हिजाब के भीतर ईरान की लड़कियों ने सपने दम तोड़ रहे हैं, उसी प्रकार भारत की मुस्लिम लड़कियों के सपने भी दम तोड़े, क्योंकि इस्लाम का अनिवार्य अंग साबित होने पर उसका पालन भी अनिवार्य हो जाएगा और फिर लड़कियां उसी तरह से कैद हो जाएंगी जैसे वह पहले कैद हुआ करती। ये महिलाएं क्यों उन हिजाब को जलाती हुई महिलाओं के साथ नहीं है, ये प्रश्न बार बार उभरता है, परंतु फेमिनिस्टों के पास ना ही उत्तर है और ना ही कोई तर्क, तो बस ओढ़ी हुई है बेशरम मानसिकता की चादर, जो अथाह एक ऐसी अंधी सुरंग में जाती है जहां पर काले बुरके का अंधेरा ही अंधेरा है। धन्यवाद।